नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हो गए। 35 सीटों वाले निगम में इस बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपको 14 सीटें मिली, वहीं भाजपा दूसरे स्थान पर रही, कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद भी ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही। पीयूष जैन के कन्नौज में 3 घर हैं, वहां से करीब 107 करोड़ रुपए कैश मिला और अब तक कुल 284 करोड़ रुपए कैश बरामद होने की जानकारी मिली। वहीं ईडी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। सनी के गाने पर मचे बवाल के बाद सारे गामा ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि गाने को लेकर हालिया फीडबैक को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को ख्याल रखते हुए 3 दिन के अंदर इस गाने के बोल बदल दिए जाएंगे। साथ ही तीनों प्लेटफॉर्म से इस गाने के नए वर्जन को अपलोड किया जाएगा और पुराने को हटा दिया जाएगा। 100 करोड़ की वसूली के मामले में जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब भाजपा के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव है। इस पर चुनाव आयोग की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग से संकेत यही मिल रहे हैं कि चुनाव तय समय पर ही होगा। हालांकि अब जनवरी के पहले सप्ताह में दोबारा मीटिंग होगी, इसके बाद अंतिम फैसला हो सकता है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ से 6 नक्सली मारे गए। ये ऑपरेशन तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के ओर से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा। महात्मा गांधी खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कालीचरण महाराज ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखा है, जिसमें अदालत से दिल्ली और हरिद्वार में धार्मिक आयोजनों में नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। सम्मेलनों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरी तरह से नहीं मानती तो एक बार फिर से किसान आंदोलन खड़ा होगा। बूस्टर डोज अगले साल 10 जनवरी से 60 साल से ज्यादा उम्र के और अन्य गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच 9 से 12 महीने का गैप रह सकता है। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। 31 जनवरी तक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर पर कोरोना और नए वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कस लें। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन की कुल संख्या 142 हो गई है, जबकि महाराष्ट्र में 141 है। देश में अब तक कुल मामले 598 मरीज हो गए हैं। खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पिछले 24 घंटे में 290 नए कोरोना केस मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई। नीति आयोग ने 4th हेल्थ इंडेक्स जारी किया। बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल टॉप पर है, जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। 4th राउंड के हेल्थ इंडेक्स के लिए साल 2019-20 का आकलन किया गया। सरकार के थिंक टैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ परफॉर्मेंस को लेकर तमिलनाडु दूसरा और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए चौथी मेरिट लिस्ट। जो भी छात्र इससे पहले जारी की गई मेरिट सूची के तहत प्रवेश नहीं ले पाए थे वो इस चौथी मेरिट लिस्ट के माध्यम से यू में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म पर 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिफाई प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच क्रिसमस पर छुट्टियों के दौरान दुनिया भर से हजारों फ्लाइट कैंसिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4,500 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीन और अमेरिका की फ्लाइट सबसे ज्यादा कैंसिल हुई। दिल्ली यूपी में 2 दिन बारिश का अलर्ट। शीतलहर और ठंड के बीच लोग नए साल का आगाज करेंगे। ठंडी हवाओं के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश ने उत्तर भारत का तापमान और लुढ़का दिया। केदारनाथ सहित अन्य ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दूसरे दिन भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही। केदारपुरी में करीब 10 इंच से अधिक बर्फ जम चुकी है जिसकी वजह से पुनर्निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है। इस मैच में केएल राहुल ने तूफानी शतक लगाया। राहुल अगर इस मैच में दोहरा शतक लगा देते हैं तो वो इतिहास रच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई। न्यू साउथ वेल्स स्टेट में 80 साल के ओमिक्रॉन संक्रमित ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह व्यक्ति फुल्ली वैक्सीनेटेड था लेकिन उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम ने 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लूरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। बीते हफ्ता की तुलना में आज सोना महंगा हो गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली ही है। वहीं 1 किलो चांदी सस्ती हो गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना बढ़कर 48,308 रुपए हो गया है जबकि 1 किलो चांदी कीमत 61,497 रुपए है। ऑनलाइन पेमेंट और वॉलेट ऐप पेटीएम यूजर्स के लिए नया ऑफर लेकर आया है। इसमें यूजर्स को मोबाइल रिचार्ज करने पर 1,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। ये ऑफर किसी भी कंपनी जैसे BSNL, Airtel, Vodafone Idea और Jio के प्रीपेड प्लान के लिए वैलिड है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।